हैवी लग रहा है वेट यार, बहुत ज्यादा 20-20 केजी, जबकि वार्म अप वेट रहता है। ऐसा लग रहा है 80 किलो रख दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस इस वाले रूटीन में आने में, तेरे को नहीं लगेगा, तू लगा। तो भाई फुल पार्टी चल रही है यहाँ पे, अगर किसी को भी मिलना है तो अभी आ जाए, अभी आ जाए तो उधर ढाबे पे मीटअप करना हो तो 10 मिनट के लिए अभी लाइव कर रहा है ना, 10 मिनट के लिए ही है तो बस। हाँ भाई, तो मैं बताता हूँ कि मैंने जिम ज्वाइन क्यों करी। जैसे कि काफी लोग सोचते हैं कि मैंने इसलिए जिम ज्वाइन करी होगी क्योंकि मेरा भाई भी जिम करता है तो मैं भी जिम कर रहा हूँ, शायद इसलिए ज्वाइन करी होगी, रुक जा भाई। पर मेरा एक्चुअल रीजन क्या था मैं वो बताता हूँ। जैसे कि मैं पहले छोटा था बहुत, और मैं लड़ाई दंगों में ज़्यादा था, लड़ाई दंगे मतलब किसी से भी लड़े आना, भी मतलब लड़ते रहना इस टाइप का था मैं। मेरे भले ही हाथ मेरे ऐसे थे, पतले पतले थे, अगरबत्ती ऐसे बोन रखी थी मेरी, मसल मास कुछ भी नहीं था, बोन था, ऐसे बोन से लड़ता था मैं, ऐसे डांडिया ऐसे, तो मैं ऐसा था। तो मैं जिगल से लड़ता था ज़्यादातर, क्योंकि मेरे से कोई बड़ा बंदा आ जाता था, जैसे मेरे और भी दोस्त थे वो मतलब ऐसे मोटे मोटे रखे हुए थे, पर मैं उनसे लड़े आता था, क्योंकि मैं मेरे को पता ही नहीं था कि लड़ाई फिजिकल पावर से होती। मैं मतलब मार देता था, कुछ भी उठा के मार देता था, फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ हाँ भाई फिजिकल पावर भी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैं कुछ में पिट भी गया तो मेरे को पता चला, और लोग मुझे सूखा सूखा बुलाते थे, तो मेरे को फिर समझ आया कि लोग मेरे जितने पतले नहीं हैं कोई भी यार, जो भी मेरे क्लास में था मेरे जितना कोई भी पतला था नहीं। तो मैं सोचा हाँ यार मतलब है, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही अलग हूँ थोड़ा सा, तो मेरा ये मानना था। फिर मैं सोचा नहीं करना चाहिए, जिम स्टार्ट करूँगा मैं जल्दी, मैंने ये सोचा था। फिर उसके बाद मैंने है ना जैसे ही अपनी 10th निकाली और फिर मैं 11th में आया, तो मैंने सोचा अब है ना आर्मी का एग्ज़ाम की जो फिज़िकल ट्रेनिंग होती है वो करेंगे, ताकि अगर आर्मी में जाना हो तो मैं फिज़िकली फिट हूँ, इसलिए मैंने है ना सोचा अब जिम ज्वाइन करेंगे। पर क्लासेस इतना होने के बाद उस टाइम भी जिम ज्वाइन नहीं हो पाई। पर मैंने क्या किया था, एक दिन जाके इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डाल दिया, तो काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं मैं तब से जिम करी, पर नहीं, मैं ऐसे ही एक दिन चला गया, तो मैंने फ़ोटो डाल दी थी अपनी। फिर जैसे ही मैंने 12th पास करी, जैसे कि मैं अभी बता दूं मैं 3rd ईयर में हूँ कॉलेज के, तो जैसे ही मैंने अपना 12th कंप्लीट करा, फिर मैंने भैया से बोला कि मेरे को जिम ज्वाइन करना है भाई, मैं अब जिम ज्वाइन करूँगा। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन करी, 3 मंथ हुए मेरे को, फिर किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मेरी जिम छूट गई, और फिर उसमें गैप होने के बाद इतना ऐसा हो रहा था कि मैं एक सीढ़ी चढ़ रहा था और फिर नीचे आ जाता था, 2 सीढ़ी फिर चढ़ रहा था फिर नीचे आ जाता था, तो ये हो रहा था। तो मैंने फिर जिम ज्वाइन करी, फिर मैं कंसिस्टेंट रहा और फिर मेरे को करते करते आने लग गया मज़ा। तो इतना टाइम कंसिस्टेंट रहने के बाद मैंने अच्छा खासा वेट गेन भी किया, जैसे कि इस फोटो में 40 kg का था, 11th में मैं 40 kg का था, 12th में 40 kg का था, मतलब जिम ज्वाइन करने से पहले मैं 40 kg का ही था, और अभी मैं हूँ 59-58 kg का, मतलब 18-19 kg मैंने गेन करा है। लकड़ी क्यों खा रहा यार, निकल भाई निकल। तो जैसे कि मैं पहले जिम जाता था तो मेरे को इतनी डाइट की वैल्यू नहीं पता थी, धीरे धीरे मेरे को अब डाइट की वैल्यू पता चली है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, नॉलेज गेन करी, अब मेरे को पता चला है कि एक्चुअल डाइट की वैल्यू, मतलब अपन को पता तो पहले से रहता है कि भाई डाइट लेनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, रेस्ट लेना है, अच्छे से मल्टीविटामिंस वगैरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, इससे बॉडी बन जाती है। पर इसको एक्चुअल में फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर ऐसा होता ना हर कोई फॉलो कर पाता होता तो हर कोई बॉडी लेके घूम रहा होता। तो इस चीज़ को मैं अब जान पाया हूँ और अब जाके खुद को मैं ठीक करता जा रहा हूँ, डे बाय डे बेटर करता जा रहा हूँ खुद को। पहला रीज़न था मेरा, जो सबसे पहला था वो था कि मेरे को है ना लड़ाई वगैरह में लड़ने के लिए मेरे को अच्छा फिजिक चाहिए। दूसरा रीज़न मैं तब था कि मैं आर्मी का अगर फिजिकल निकालूँ तो मैं उसमें फेल ना हूँ,
इसलिए मेरा वो दूसरा रीज़न था जिम ज्वाइन करने का। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये था मेरा रीज़न बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन करने का। तो आप लोगों का क्या रीज़न है मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि सबके अलग अलग रीज़न होते हैं, जानने में मज़ा आता है कि किसने क्या। जैसे किसी का कोई लड़की छोड़ जाती है तो जिम ज्वाइन करते हैं, किसी का पैशन होता है जिम ज्वाइन करते हैं, किसी का कुछ और होता है, किसी का कुछ और, ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो आप लोगों के क्या रीज़न है मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पढ़ूंगा, मेरे को मज़ा आएगा, मैं रिप्लाई करूंगा सबको, तो मेरे को ज़रूर बताना। और पता है एक और बात बताऊँ, जैसे कोई जिम वाला बंदा है ना, वैसे कोई जिम रैट है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है जिससे वो पुश करता है। अगर मान के चलो कोई बंदा ऐसे ऐसे जोन में बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, हेडफोन पे गाने सुनते हुए जोन में जा रहा है, तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होता है वो क्यों लिफ्ट कर रहा है इस चीज़ का। कोई ऐसा नहीं करता यार, मैंने नहीं देखा कि भाई ऐसे ही चलो मेरे को फिट होना है, चलते हैं फिट होने, तो ऐसा सोच के तो कोई नहीं जाता मेरे ख्याल से। तो बाकी जाते होंगे तो पता नहीं, पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुन के अच्छा लगेगा मेरे को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। हाँ, गुड नाइट।